तो हेलो एवरीवन, आप लोग को दिखाता हूँ मेरा जो स्टूडियो का है उसका कितना काम पूरा हुआ है। आप लोग को दिखाता हूँ जो कि इस दिवाली में जिसका ओपनिंग करना है, तो कुछ काज काम हुआ है, कुछ बाकी है। चलिए देखते हैं कितना काम बाकी है, कितना काम हुआ है। तो जो ये दरवाज़ा है, नीचे पन्नी लगाया हूँ, नीचे से गैपिंग है थोड़ा सा, उसमें वो फोम लगेगा पैक करने के लिए, मेंढक घुस जाते हैं अंदर से। इसे हम खोलते हैं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। लाइट ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो चुका है और ये देखिए सीलिंग का काम हो चुका है और ये दिख रहा है आपको। तो इतना काम हो चुका है, ऐसे दिखिएगा आप लोग को पूरा अच्छे से। तो सीलिंग का काम हो गया है, नीचे कारपेट का जो काम वो भी हो गया है। और आप लोग को मैं बोल रहा था मेंढक दिखाने के लिए, जो मेंढक घुस जाते हैं उस प्लास्टिक को लगाने के लिए नहीं था, देखो यहाँ पर मेंढक घुसा हुआ है, ये देखो मेंढक घुस गया है। तो इसमें मेंढक है, अभी देखो आवाज़ कितना ज़्यादा गूंज रहा है, ठीक है, आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। तो ऐसे में तो काम होगा नहीं, तो इसके लिए करना होगा इस रूम को पूरा एकॉस्टिक, यानी इसे साउंड प्रूफ करना होगा। तो बस साउंड प्रूफ का काम बाकी है, बाकी RGB वगैरह लगेंगे, लाइट वगैरह सब ले चुका हूँ। तो ये पूरा वॉल में जो है ये पूरा फोम लगेगा, पूरा पैक होगा ताकि आवाज़ ना गूंजे। अभी देख रहे छोटा सा रूम है ये आपका, मानिए 6.5x12 का रूम है और इतने ही कितना आवाज़ गूंज रहा है, खास करके इसके वजह से जो सीलिंग लगा है इसकी वजह से गूंज रहा है। तो अभी फिलहाल इतना काम अपना हुआ है और यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है पूरा, इसमें एकॉस्टिक लगेगा और फिर जा कर के इसका अच्छा लुक निकल के आएगा, जो कि दिवाली में ओपनिंग होगा तो आप लोग देख लेंगे कैसा दिखेगा रूम। बस सपोर्ट बनाए रहिए। बाय बाय।